मुस्लिम लीग नून का जलालपुर पीरवाला में सजेगा किसान कन्वेंशन। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज आज किसानों से खिताब करेंगे। 80 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया है। पंडाल में 1000 अफराद के बैठने के लिए कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। सिक्योरिटी के भी फूल प्रूफ इंतजाम हैं। मुस्लिम लीग नून का जलालपुर पीरवाला में सजेगा किसान कन्वेंशन। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज आज किसानों से खिताब करेंगे। 80 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा भी स्टेज तैयार कर लिया गया है। पंडाल में 1000 अफराद के बैठने के लिए कुर्सियां लगा दी गई हैं, जबकि सिक्योरिटी के भी फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज आज किसानों से खिताब करेंगे। 80 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया है। पंडाल में 1000 अफराद के बैठने के लिए कुर्सियां लगा दी गई हैं। सिक्योरिटी के भी फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइएगा किस तरह की तैयारियां की गई हैं। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज जलालपुर के अंदर पिंडाल सजाया गया है और पिंडाल को किसान कन्वेंशन का नाम दिया गया है। किसान कन्वेंशन से हमजा शहबाज शरीफ जो है वो कुछ देर तक जो है वो यहाँ पहुंचेंगे और खिताब करेंगे। पार्टी लीडरशिप भी यहाँ पर मौजूद है। कुर्सियाँ यहाँ पर सजा दी गई हैं। मतवालों का इंतजार किया जा रहा है। 80 फुट चौड़ा और 80 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा जो है वो स्टेज भी तैयार कर दिया गया। इस वक्त पार्टी रहनुमा इमरान गुराया भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इमरान साहब, पिंडाल तैयार है, कब तक हमजा शहबाज जो है वो जलालपुर पीरवाला पहुंचेंगे? आवाज आ रही है? और कैसा देखते हैं कि आज कैसा जलसा सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा साहब, इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2 बजे 2:30 बजे करीब पंडाल में इंशाल्लाह तशरीफ ले आएंगे। और आज आप देखेंगे कि जलालपुर की तहरीक का ये पहली बार ये जलसा नहीं है, ये किसान कन्वेंशन है। वो किसान कन्वेंशन जो इस मुल्क का रीढ़ की हड्डी है और 70% उनकी अपना ग्रोथ है, उसकी नुमाइंदगी करने के लिए कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ी। हमारे कायद हमजा शहबाज साहब ने ये अपने जिम्मे ये जिम्मा लिया कि किसानों की आवाज़ मैं असेंबली में भी उठाऊंगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया और वो मराद दूंगा जो आज तक किसी ने मराद नहीं दिए। और आज आप देखेंगे कि ये जलसा कन्वेंशन से जलसे में मुंतकिल हो जाएगा। लोग सताए हुए हैं, लोग परेशान हैं, लोग दुआएं दे रहे हैं कि नवाज शरीफ आओ और इस मुल्क की बहादुर संभालो इंशाल्लाह। अच्छा, इमरान साहब, जलसा जलालपुर पीरवाला में करने जा रहे हैं जनूबी पंजाब में, मगर यहाँ पे हमें लाहौर की लीडरशिप नजर आ रही है। जनूबी पंजाब की क्यादत किधर है? नहीं नहीं, मैं ये बता दूं कि ये हमजा साहब की एक टीम है जो हर जलसे की मैनेजमेंट देखती है उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक। बकाया जनूबी पंजाब की जितनी लोग हैं MNAs MPs टिकट होल्डर, वो उनको जो है आप मुल्तान इंटरचेंज से रिसीव करेंगे और काफिली सूरत में जलसागा तक लेके आएंगे। जी क्या कहेंगे जी आप, कैसा देखते हैं, क्या माहौल है, किस तरह देख रहे हैं कि कैसा जलालपुर आज कैसा शो करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलालपुर पीरवाला की आवाम से जब हमने मुलाकात की और लोग सताए हुए हैं इस महंगाई से, इस बिजली के बिलों से, सुई गैस की लोड शेडिंग से। इस सिलेक्टेड वजीर आजम ने आके मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया है। अब तमाम लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को याद करते हैं और दुआएं दे रहे हैं कि वो मुल्क में तशरीफ लाएं और पाकिस्तान को एशिया टागर बनाएं। मियां तारिक साहब, लाहौर की अब एक मारूफ शख्सियत है, कैसा देख रहे हैं? जनूबी पंजाब आए हैं, जलसा है, हमजा से पहले पहुंचे हैं, क्या देख रहे हैं आप? हम जिस गली, जिस सड़क, जिस गांव, जिस खलियान में जाते हैं वहाँ पर एक ही नाम है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। लेकर आओ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। वो हमें खाद जो है वो 1200 रुपए की बोरी दिया करता था, वो किधर चला गया? उसी को लेकर आओ। महंगाई का इस तूफान है बदतमीजी इस वक्त उठा हुआ है। तो इंशाल्लाह आज कायद मोहतरम मियां हमजा शहबाज साहब तशरीफ ला रहे हैं। ये लोग पूरा जो पीर जलालपुर पीरवाला जो है ये उमड़ आएगा आज इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बड़ी तादाद में जो कारकुनान की आमद भी मुतवक्के की जा रही है। और इस वक्त जो कैमरामैन एडी नवाज स्टेज आपको दिखाएं तो स्टेज के ऊपर जो है हमें वो 100 कुर्सी लगाई गई है और उसके साथ साथ जो पार्टी कायदीन है उनकी तस्वीरें भी यहाँ पर हमें नजर आती है। अब्दुलरहमान कांजू डिविजनल सदर, इसके साथ साथ अवैस लगारी है, उसके बाद दीवान अब्बास बुखारी हैं और इसके साथ अब्दुल गफार डोगर, जावेद अली शाह और सात कांजू, शेख तारिक रशीद, राना महमूदुल हसन समेत जो है दीगर कायदीन जो है यहाँ पर हमजा शहबाज का
देंगे। अगर आपको पिंडाल की सूरतयाल अगर मेरे कैमरामैन एडी नवाज दिखाएं तो पिंडाल को जो है वो चार हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक जो है वीआईपी लाउंज बनाया गया, उसके साथ साथ दूसरी जो है सेकंड कैटेगरी बनाई गई, और उसके साथ साथ थर्ड जो है वो एक पब्लिक क्राउड के लिए जगह बनाई गई है। बड़े बड़े बिल बोर्ड्स भी नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और मरियम नवाज की जो है तस्वीरें आवेजा की गई हैं। कारकुनान का कहना है कि वो आज अपने कायद से मिलने के लिए बेताब है। और इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ा दावा किया गया है मुस्लिम लीग नून के जो जलसा का इंतजाम है, उनका कहना है कि 25,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। कैमरामैन एडी नवाज, अगर आपको एक दफा इसका मुकम्मल जायजा दिखाएं कि क्या ये 25,000 कुर्सियां हैं जिसका फैसला जो है वो आवाम करेंगे। हम आपको दिखाते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो जलसा इंतजामिया है उनका दावा है कि यहाँ पर आज जो है वो 25,000 कुर्सी जो है वो लगाई गई है। जलालपुर पीरवाला की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ये जलसागाह का फ्रेम जो जलसागाह है वो उसको मुनक्कद की गई है। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम देखने में हमें आ रहे हैं, यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी सख्त जो नजर आती है, और साथ साथ पुलिस और मुस्लिम लीग नून की अपनी जो जाती सिक्योरिटी है उसने भी यहाँ पर जो है सूरतहाल को संभाला हुआ है। कारकुनान की आमद की बात करें तो चूंकि जलसा का वक्त जो है वो 1 बजे दिया गया, जबकि कायदीन का कहना है कि हमजा शहबाज 2:30 बजे तक जो है वो स्टेज पर पहुंचेंगे। 1 बजने के बाद जो है कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि मुल्तान का नवाई इलाका है तो कारकुनान को इकट्ठा भी जो है उनकी पॉकेट से जो है वो किया जाएगा, मुख्तलिफ पॉकेट से जो है वो इकट्ठा कारकुनान को किया जाएगा। यहाँ के जो मुकामी अभी कुछ ही रोज पहले शहबाज शरीफ ने विजिट किया और अब हमजा शहबाज आ गए हैं, ऐसा क्या तब्दीली होने जा रही है बताइएगा। जी बिल्कुल, हमजा शहबाज आज दौरा मुल्तान पर है, 2 रोज का हमजा शहबाज का दौरा मुल्तान होगा। इसके बाद हमजा शहबाज शरीफ मुल्तान के निजी होटल में कयाम करेंगे और अगले रोज जो है वो लोधरा जाएंगे और भावलपुर जाएंगे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी मुल्तान का जो है वो मुल्तान के अंदर प्रभाव डाला गया। हेडक्वार्टर जो है जनूबी पंजाब का मुल्तान को बनाया गया, क्याम बिलावल हाउस में किया गया और मुख्तलिफ सरगर्मियां की गई। इसके साथ साथ कल नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच भी मुल्तान के अंदर थे, उन्होंने भी मसरूफ दिन गुजारा। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग जिया के सरबराह इजाजुल हक भी मुल्तान कल मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी पार्टी के कन्वेंशन से भी खिताब किया और मुख्तलिफ जो है पार्टी सरगर्मियों में वो दिखाई दिए। तो मुल्तान और जनूबी पंजाब की जो सियासत है इस वक्त हमें गर्म दिखाई देती है कि हर जमात का जो सरबराह है वो अपनी पार्टी को जनूबी पंजाब में मुतहरक करने के लिए बार बार जो है जनूबी पंजाब के दौरे कर रहे हैं। हमने देखा है कि हमजा शहबाज शरीफ का भी दूसरी बार दौरा मुल्तान है, और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो भी दूसरी दफा मुल्तान में आए हैं, और ये और इसके साथ साथ जो बड़ी जमात है इमरान खान की जानिब से भी मुल्तान के अंदर जल्द जो है वो जलसे का जो है शेड्यूल दिया जाएगा। इमरान खान भी जल्द जनूबी पंजाब करेंगे। जुनैद अनवर आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा जंगलात और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली सामने आई है, मुजफ्फरगढ़ 10 बिलियन ट्रीज सुनामी इंतजामे की अदम तवज्जो की नजर हो गया है, मजीद तफसीलात बता रहे हैं आमिर डोगर। जी बिल्कुल, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से जो बिलियन ट्री सुनामी मुहिम शुरू की गई थी, इसी सिलसिले में मुजफ्फरगढ़ में 115 एकड़ पर पौधे जो है वो लगाए गए थे, मगर अब सूरत हाल ये है कि ये मंसूबा जो है वो फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है। इंतजामिया की जानिब से इस जानिब जो है वो कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलामा इकबाल टाउन, तुर्की कॉलोनी, खानपुर बग्गा शहर और दीगर इलाकों में साबिक डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया था, मगर अब जो है वो 70% से जायद पौधे जो है वो सूख चुके हैं। वजह क्या है इस हवाले से शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, ना ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ना ही महकमा जंगलात की जानिब से इस जानिब कोई तवज्जो दी जा रही है। क्या वजह की इतने बड़े प्रोजेक्ट को जो है वो फ्लॉप होता जा रही है? अस्सलाम वालेकुम भाई जान, ये डिप्टी साहब को ऐसा रिक्वेस्ट करें तो इन्हें पौधे की तवज्जो थी वजे, इन्हें बारे में इन्हें खिदमत थी वजे, पौधा लावने महकमा सेहत काफ़ी सारे फायदे होने, एक सादा फायदा नहीं, एक पूरी आवाम का फायदा है, तो इन्हें बारे तुसा खुद बेहतर हर शायद समझ दो। आप बताइएगा कि कौन कौन से इलाकों में पौधे लगाए गए थे और अब क्या सूरत हाल है? बेजान, खानपुर, बगा शहर,
इंडस हॉस्पिटल और इंडस कॉलोनी है, तुर्की कॉलोनी, उसमें लगाए गए थे। अब वो पौधे सूख रहे हैं, ना कोई इंतजामिया एक्शन ले रही है, ना उनको पानी मिल रहा है, ना कोई कॉरपोरेशन वाले आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पौधे सूख रहे हैं बस। मुजफ्फरगढ़ के जो मकामी शहरी हैं वो ये कहते दिखाई देते हैं कि मुल्तान सोशल वेलफेयर रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मंसूबा दो साल से ताखीर का शिकार है। सोशल वेलफेयर गहवारा सेंटर की बिल्डिंग को रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने के लिए मुख्तस किया गया था। दो साल कबल रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का ऐलान भी किया गया था। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए फंड मौजूद न होने के बायस ताहाल मनसूबा ताखीर का शिकार है। मुल्तान इंतजामिया का विहाड़ी चौक लीनर पार्क पर गैर कानूनी काबिजीन के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब सैफ से। जी तैयब बताइए। जनरल बस स्टैंड के सामने लीनियर पार्क बनाया गया था जिसके ऊपर ट्रांसपोर्टर्स ने कब्जा कर लिया था और इस पार्क को अपनी गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। और बाद में जब पीएचई इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए तो अदालत से जाके स्टे ले लिया था। कल ये स्टे जो है वो खत्म हुआ है और आज पीएचई की टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं अपना कब्जा वागजार करवाने के लिए। जिले इंतजामिया और पीएचई के जो डीजी है वो यहाँ पर मौजूद रहे, अपनी निगरानी में तमाम तरह कब्जा है वो एक्वायर्ड कराया है। इस वजह से डीजी से हमारे साथ से बात करते हैं। ये कोई एक माह कबल इन्होंने शबखून मारा था हफ्ते की रात को, और उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमला इतवार वाले दिन सुबह सुबह पहुंच के उन्होंने इसको रिस्टोर भी किया और नामालूम चुके लोग थे उनके खिलाफ पर्चा भी करवाया और पूरी कार्रवाई की। लेकिन कुछ लोग इस मामले में, जैसा कि आप बता चुके हैं, जिनके इंटरेस्ट थे वो अदालत में चले गए और उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया। पूरी इंतजामिया इसके ऊपर बड़ी अलाइव है और हमारे चेयरमैन साहब एजाज हुसैन जंजुआ साहब ने बहुत इस बारे में अपने तफक्कर का भी इजहार किया, हदायात भी जारी की। कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, एसी सिटी, सारे के सारे हम बिल्कुल एक पेज पर होते हुए मुतहरक रहे हैं और अदालत में भी भरपूर तरीके से इसको पैरवी किया गया। हत्ता के रोजाना की बुनियाद पर, चूंकि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला था तो इसकी सुनवाई भी होती रही, इसकी समाअत होती रही और बिल आखिर ये स्टे आर्डर हम खारिज करवाने में कामयाब हो गए। जैसे ही कल ये शाम के वक्त तक स्टे आर्डर खारिज हुआ तो आप देख रहे हैं कि आज हम इसको मुकम्मल रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। लीनियर पार्क के इस हिस्से को सबका बिल्कुल ग्रीन बना दिया जाएगा। ये पाए तकमील तक पहुंच रहा है और इस पार्क को पहले की तरह दोबारा फिर से सरसब्ज बनाया जाएगा। मुल्तान इंतजामिया का जायदुल मियाद और जाली अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने मेडिकल कंपनियों और फार्मेसी स्टोर्स की चेकिंग का हुक्म दिया है। नशावर इंजेक्शन और ममनू अद्वियात की बरामदगी पर स्टोर सील करने की हिदायत भी की गई है। डिप्टी कमिश्नर की सदारत में ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का ये इजलास हुआ है। ड्रग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 15 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। जाली अद्वियात के धंधे में मुलविस माफिया किसी रियायत के हकदार नहीं है, डिप्टी कमिश्नर का ऐसा कहना है। मुल्तान में कब्जा माफिया से वागुजार अरबों रुपए की सरकारी अराजी से रेवेन्यू हासिल करने का फैसला कर लिया गया है। डॉक्टर इरशाद अहमद का डिप्टी कमिश्नर्स को नीलामी का अमल तेज करने का टास्क दिया गया है। कमिश्नर की सदारत में डिप्टी कमिश्नर्स का आला सतह का इजलास हुआ है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान समेत डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर्स की ब्रीफिंग। डीजी खान जिम खाना क्लब की मरकजी इमारत और स्विमिंग पूल के तामीराती काम का आगाज कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे रजा मलिक से। जी रजा बताइए। जी बिल्कुल, 1910 से कायम जिम खाना क्लब गाजी खान में बुनियादी तब्दीलियां लाई जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जा रहा है और एक बैन अलावा मियार का जो है स्विमिंग पूल के तामीर का बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से कमिश्नर दरगाजी खान ने बाकायदा तौर पर खुदाई करके काम का आगाज़ किया और इसकी मरकजी बिल्डिंग भी जो है वो बननी जा रही है। किस कदर जो है ये कल्चरल चेंज लाएगा दरगाजी खान में? डीजी खान जिमहाना क्लब, जिसका आज बाकायदा हमने इसकी जो मेन बिल्डिंग है उसका आगाज़ किया है। इससे पहले हम इसका जिम जो है वो फंक्शनल करवा चुके हैं और इसी तरह स्विमिंग पूल का भी आज हमने इसका संग बुनियाद रख दिया है। तो ये 100 साल से जगह कीमती तरीन शहर के अंदर जगह क्लब पर्पज़ के लिए पड़ी थी जो आज तक यूज़ नहीं हो सकी, मास्वाए 5-10 लोगों के जो आते थे, टेनिस खेलते थे, चले जाते थे। अब हमने इसको जिमहाना क्लब में ट्रांसफ़र किया है और इसमें लोगों के लिए मेंबरशिप खोली है। जो शुरू से क्लब का मकसद था वो मकसद पूरा होने जा रहा है। पूरा शहर इसमें अब मेंबरशिप ले सकता है, सरकारी अफसरान इसमें मेंबरशिप ले सकते हैं और इसमें सारी बुनियादी सहूलतें होंगी इंशाल्लाह। ये क्लब डीजी खान जिमहाना क्लब आप देखेंगे कि जिस तरह सरगोधा, गुजरात, भावलपुर,
और फैसलाबाद में इसी पर्पज़ के लिए ये क्लब बने हैं। ये उन सब से इंशाल्लाह एक स्टेप आगे होगा और पूरे शहर में कल्चरल चेंज लेकर आएगा। इस क्लब में आज जो मेन बिल्डिंग जिसका हमने अभी आगाज़ किया है, इसमें दो बड़े डाइनिंग हॉल हैं, एक कॉमन रूम है, सिनेमा है, स्नूकर बिलियर्ड का एक बड़ा हॉल है। तो ये इंशाल्लाह क्लब जो है ये डीजी खान के लिए एक बड़ी मेजर चेंज लेकर आएगा और सारे लोगों को इसमें, अब हजारों लोग इसमें, 70-80 हज़ार लोग जो हैं इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शहर के वो बेनिफिशरी होंगे और शहर के अंदर स्पोर्ट्स के मैदान में, सोशलाइजेशन के मैदान में, टूरिज्म के मैदान में और सोशलाइजेशन के फील्ड में ये एक बड़ी चेंज लाएगा। जी बिल्कुल, एक बड़ी चेंज लाएगा। सही रजा मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में असातिज़ा का एहतजाज रंग ले आया है। पंजाब टीचर्स यूनियन के वफद की लैला आमद हुई है। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर मलिक बशीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत तमाम मुतालबात पर जल्द अमल दरामद करेगी।